स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रांजिस्टर के विषय में। तो ट्रांजिस्टर से संबंधित कुछ एक फैक्ट हमने पढ़े थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टरों की वर्किंग, किस प्रकार कोई ट्रांजिस्टर काम करता है। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने से पहले, पिछले वीडियो में मैंने आपको बायसिंग के विषय में बताया था कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टरों को चार रीजन में जोड़ा जाता है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको ट्रांजिस्टर की तरह काम करने के लिए हमेशा एक्टिव रीजन में जोड़ना चाहिए। और एक्टिव रीजन में मैंने आपको बताया था कि कोई हमारा ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर के, ये कोई हमने NPN ट्रांजिस्टर ले लिया, तो तीन टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको बताया था, एमिटर, कलेक्टर और बेस। तो जब एमिटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हो और कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बायस में जुड़ा हो, तो उस प्रकार के जंक्शन को क्या बोला जाता था, एक्टिव रीजन बोला जाता था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली होती है, किस प्रकार एक NPN ट्रांजिस्टर जो है वो धारा का प्रवाह अपने अंदर से करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चित्र आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसको मैं समझाने के लिए दो पार्ट में बांट देता हूँ। मैंने आपको PN संधि के बारे में बताया था, तो उसको सेम अपने उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ इतने जंक्शन की, N और P भाग को लेते हुए सिर्फ ये वाला जंक्शन की बात करता हूँ मैं। और ज़्यादा बढ़िया समझने के लिए हम दो स्विच लगा देते हैं। चलो यहाँ हमने मान लिया कोई एक स्विच जोड़ देंगे यहाँ पर और एक स्विच इधर जोड़ देते हैं। चलो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इधर के हमारे जंक्शन की। ये कोई एक स्विच यहाँ जुड़ा हुआ है और ये एक स्विच यहाँ जुड़ा हुआ है। अब आप मानते हुए चलिए कि जो हमारा इधर का ये वाला पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये स्विच एक बार ओपन कंडीशन में है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही, करंट का फ्लो नहीं हो रहा। सबसे पहले इतने जंक्शन की बात करेंगे हम इधर वाले की। तो आपको बताया गया था कि जब किसी PN संधि को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, तो फॉरवर्ड बायस में वो अपने अंदर से धारा का प्रवाह करती है। तो जब हमारी ये PN संधि है, इसको हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे, तो ये भी क्या करेगी, अपने अंदर से धारा का प्रवाह करेगी। तो जैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस स्विच को जब मैं ऑन करूंगा, इसको मान लिया हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो अब जैसे ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस PN संधि के P भाग से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस PN संधि के N भाग से जुड़ता है, तो आपको पता है कि अब ये हमारी संधि क्या करेगी, अपने अंदर से धारा का क्या करेगी, प्रवाह होना शुरू कर देगी। तो अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो बेस भाग होता है उसमें डोपिंग क्या होती है, कम रखी जाती है सबसे। तो आपको पता है कि जब डोपिंग कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो हमारे इमीटर भाग से निकलते हैं। और इमीटर भाग से निकलने के कारण क्या होता है, जो करंट का माल होता है वो अधिकतर, कौन सी करंट होगी यदि आपसे पूछा जाए इनमें से ज़्यादा करंट किसकी होगी, तो वो होती है हमारी इमीटर धारा। तो उस धारा को हम कोई नाम दे देते हैं, इमीटर धारा या फिर IE धारा। तो जब आपको पता चला कि एक्टिव रीजन में जब किसी ट्रांजिस्टर के EB जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, धारा का प्रवाह करना अपने अंदर से शुरू करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इधर वाले को भूल जाइए, इस जंक्शन को। अब मैं बात करूंगा एक बार के लिए सिर्फ कलेक्टर और बेस जंक्शन की। तो कलेक्टर बेस जंक्शन में देखो दोस्तों क्या होता है कि आपको पता है कि हमारा N भाग बैटरी के प्लस से जोड़ रहा हूं मैं और P भाग को बैटरी के माइनस से जोड़ रहा हूं। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि जब कोई PN संधि हमारी रिवर्स बायस में जुड़ती है, तो रिवर्स बायस में मैंने आपको बताया
कि यहाँ जो डिप्लेशन रीजन बन रही थी, जिसको अवक्षय परत बोला जा रहा था, वो अवक्षय परत लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब कि ये बैटरी का माइनस इधर इन होल्स को आकर्षित करेगा पी भाग के, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो पी और एन के बीच का ये जंक्शन जो है वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, लगातार बड़ा होता जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि जो एक्टिव रीजन होता है उसमें ट्रांजिस्टर को, पी बी जंक्शन को तो फॉरवर्ड में जोड़ा जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स में जोड़ा जाता है। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में जुड़ेगा तो वो अपने अंदर से धारा प्रवाहित करेगा, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स में जुड़ेगा तो वो अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कि जब मैंने दोनों स्विच को ऑन कर दिया, मान लिया हमारे ये दोनों स्विच है, इसको भी मैंने ऑन कर दिया, यहाँ से परिपथ पूरा कर दिया, तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। कभी भी आप देखोगे कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और बेस साइड में जो बैटरी जोड़ी जाती है वो बड़ी जोड़ी जाती है। मतलब यहाँ जो बैटरी है उस बैटरी से इस बैटरी का मान क्या होता है, हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अभी आप समझिए इसको, कि यहाँ जब हमने इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया तो ये संधि तो टूट गई, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि एन और पी भाग में जब यहाँ हमने इसको फॉरवर्ड में जोड़ा है तो ये संधि तो हमारी टूट गई। यहाँ से एमीटर धारा निकल करके कुछ धारा का भाग इधर आएगा और कुछ भाग इधर आएगा। अब क्या होता है कि जो हमारी ये बैटरी होती है, क्योंकि ये वाला जंक्शन तो रिवर्स बायस में जोड़ा हुआ है तो ये धारा का प्रवाह तो नहीं होने देगा, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर बड़ी बैटरी जोड़ दी जाती है। तो आपको पता है कि जो बड़ी बैटरी होगी वो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आए इसके अंदर से, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन टकरा करके इस दीवार तक पहुँचते हैं, इस जंक्शन तक, उन इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगी, वो इधर की ओर आकर्षित करेगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिससे क्या होता है कि ये जो रिवर्स बायस में जोड़ने का प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। तो जब इधर एक बड़ी बैटरी लगी हुई है तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा इधर ना जा करके किधर प्रवाहित होगी, क्योंकि विपरीत ध्रुव आपस में आकर्षित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस दीवार पे टकराते हैं, और दीवार पे टकरा करके लगातार क्या करते हैं, इस परत को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। और कमजोर करने के कारण क्या होगा कि एक समय ऐसा आता है कि ये संधि भी क्या होती है, टूट जाती है, और धारा का प्रवाह इधर से होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कलेक्टर और बेस जंक्शन होता है उसके अंदर हमेशा बैटरी का मान बड़ा रखा जाता है, ताकि रिवर्स बायस में भी एक ट्रांजिस्टर की तरह अगर इसको काम में लिया जा रहा है तो वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। तो इस तरीके से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है। दोबारा समझ लीजिए आप इसको कि ट्रांजिस्टर को हमेशा एक्टिव रीजन में जोड़ा जाता है। एक्टिव रीजन में हमारी जो इमीटर और बेस जंक्शन इसको बोला जाता है, जहाँ दो पीएन संधि मिलती है, एक पीएन संधि, उसको जंक्शन बोला जाता है। तो हमारा इमीटर बेस जंक्शन जब ट्रांजिस्टर को जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है, और कलेक्टर और बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में जुड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जब यहाँ से ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जुड़ा तो ये संधि तो टूट गई, ये संधि टूटने से इमीटर धारा बही, तो वो इमीटर धारा हमने मान लिया यहाँ तक पहुँची, या इलेक्ट्रॉनों को आप मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस दिशा में बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँच करके अब ये जो बैटरी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस बड़ी बैटरी के कारण उन इलेक्ट्रॉनों का अधिकतर भाग इधर की ओर प्रवाहित होता है, कुछ भाग के इलेक्ट्रॉन इधर नीचे की ओर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एमिटर धारा, कलेक्टर धारा और बेस धारा, तीनों धाराओं का एक ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, बहना शुरू हो जाती है, और हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, वर्किंग करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं हम कि जो मैंने आपको सिंबल बताए थे, तो सिंबल में आपने एक चीज नोट की थी कि जो हमारे ट्रांजिस्टर थे उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो एरो जो था वो बाहर की ओर था, और पीएनपी में एरो जो था वो अंदर की ओर था। तो उस कंडीशन में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि किस प्रकार से क्या है, एक ट्रांजिस्टर में ये एरो के निशान लगते हैं। तो अब आप इसको भी समझते हुए चलिए कि इमीटर का जो काम है वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, यहां इस एन भाग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जमा हुए। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। अब देखिए आप इसको कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो आपको पता है कि इमीटर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां से बढ़ते हुए ये जो हमारी बीच की परत है, इस परत को तो ये बैटरी तोड़ देगी क्योंकि ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड में जुड़ा हुआ है। तो ये परत टूटने से क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस परत को पार करके कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ इस दिशा में पहुंचेंगे, यहाँ तक इस परत पे। अब इस परत पे क्या होता है, देखो कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो हिसाब से तो हमारा इधर वाला जंक्शन रिवर्स में था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित करेगी, ये वाली बैटरी, क्योंकि इस बैटरी का मान ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित भी ज़्यादा करती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से चलते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस परत को भी तोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे इस दिशा में चलते हुए यूँ क्या होगी, हमारी एक लगातार एक आई ई धारा, आई बी धारा और आई सी धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो अब आप देखिए, इतनी चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगी कि धारा की दिशा आप देखिए किधर होती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत बहती है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है, इस दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो धारा की दिशा देखिए क्या होगी, नीचे अगर आप बेस में बात करोगे तो बेस में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आएंगे, यूँ नीचे की ओर आएंगे, ये होगी इलेक्ट्रॉनों की दिशा। तो धारा हमारी बिल्कुल विपरीत प्रवाहित होती है। तो इसीलिए एक जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीर का निशान हमेशा इमीटर में बाहर की ओर होता है, क्योंकि यदि मैं कलेक्टर धारा की बात करूं तो कलेक्टर धारा की दिशा ये होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस दिशा में है, तो कलेक्टर धारा ये हो गई, कोई IC धारा हमने मान लिया ये हो गई। अब हम बात करते हैं बेस धारा की, तो बेस धारा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा नीचे की ओर है, तो धारा की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, ये हो गई हमारी IB धारा। अब बात करते हैं इमीटर धारा की, इमीटर धारा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा राइट साइड में है, तो जो करंट फ्लोइंग होगी वो किधर होगी, इस दिशा में होगी, ये हो गई हमारी IE करंट। तो इस तरीके से क्या होता है, अब आपको पता चल गया कि क्यों एक NPN ट्रांजिस्टर में जो होता है वो तीर का निशान हमेशा बाहर की ओर होता है, क्योंकि उसमें जो धारा प्रवाह की दिशा होती है वो क्या होती है, कलेक्टर से इमीटर की ओर धारा क्या करती है, बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। इतनी चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, या फिर याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी इसका वैसे कॉन्सेप्ट में आप याद मत रखना, आपको वर्किंग पता होनी चाहिए कि देखिए बैटरी के प्लस से धारा निकलती है, आप सीधा यूँ समझ लीजिए, तो प्लस से धारा इस दिशा में गई, इसके भी प्लस से धारा निकलेगी वो इस दिशा में जाएगी, लेकिन यदि आपको वर्किंग पता है तो आपको इस ट्रिक को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्किंग से ही आप समझिए। तो इस तरीके से हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या करता है, काम करता है। अब हम बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर के विषय में, तो PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग अब हम समझेंगे। तो PNP ट्रांजिस्टर में भी क्या होता है, सेम एक्टिव रीजन में ही हमें इसको उपयोग में लेना है, लेकिन अब इसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, होल्स के कारण होगा। होल्स क्यों होगा, क्योंकि इसमें पी टाइप के पदार्थों की क्या अब अधिकता है। तो अब आप इसकी वर्किंग को समझिए, बहुत ही सिंपल वर्किंग, कि हमारा इमीटर और बेस जंक्शन हमेशा किस में जुड़ेगा, फॉरवर्ड में। तो मैंने इस संधि के पी भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और एन भाग को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, और कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स में जुड़ता है तो पी भाग को माइनस से जोड़ दिया और एन भाग को प्लस से जोड़ दिया। देखिए क्या होगा कि जो ये पी भाग है, ये बैटरी का प्लस यहाँ जुड़ा हुआ है, इस पी भाग में आपको पता है किसकी अधिकता होती है, होल्स की अधिकता होती है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, मतलब आप सिंपल समझिए, प्लस चार्ज की अधिकता होती है, एन भाग में माइनस चार्ज की अधिकता होती है और पी भाग में फिर प्लस चार्ज की अधिकता होती है। तो आपको पता है कि जो प्लस होता है वो प्लस को क्या करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं तो प्लस इस प्लस को इधर धक्का मारेगा इधर की ओर, ये हमारी बीच की क्या होगी डिप्लेशन रीजन होगी, अवक्षय परत, इस अवक्षय परत की ओर धक्का मारेगा और जो माइनस है वो इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की ओर धक्का मारेगा, तो ये हमारी परत क्या होगी लगातार क्या होगी कम होती रहेगी और एक डायोड की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था डायोड की तरह क्या होगा ये परत एक समय के बाद में टूट जाती है और इमिटर धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कलेक्टर और बेस जंक्शन की, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया बड़ी बैटरी होती है, तो क्या होगा यहाँ पर जो होल्स निकले ये होल्स यहाँ से निकल करके एन भाग में पहुँचे, मान लिया हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए क्या होगा कि जो ये बैटरी है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ जुड़ा हुआ है इसके साथ पी भाग के साथ, तो वो क्या करेगा इन होल्स को लगातार अपनी ओर आकर्षित करेगा इधर की ओर खींचेगा, जिससे ये परत भी क्या होगी एक समय के बाद में टूट जाएगी और धारा का अधिकतर भाग नीचे की ओर बेस की ओर ना जा करके किधर की ओर प्रवाहित होगा कलेक्टर की ओर प्रवाहित होता है। तो इस तरीके से क्या होता है एक पीएनटीपी ट्रांजिस्टर में दोनों जंक्शन जो होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और टूट जाते हैं। अब बात करते हैं धारा की दिशा की, तो धारा की दिशा आपको पता है कि करंट होल्स की दिशा में हमेशा प्रवाहित होती है, तो होल्स हमारे आपको दिख रहे होंगे किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं हमारे होल्स लगातार राइट साइड की ओर, तो धारा भी हमारी इमिटर धारा भी क्या होगी इस दिशा में जाएगी आई ई धारा होगी हमारी, बेस धारा हमारी नीचे की ओर आई बी धारा होगी और कलेक्टर धारा हमारी इधर की ओर, क्योंकि होल्स की दिशा भी इसी तरफ है तो धारा हमेशा होल्स की दिशा में, ये कोई हमारी आई सी धारा हो गई। तो इस प्रकार क्या होता है आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें एरो का निशान जो होता है वो इमीटर में अंदर की ओर होता है, क्योंकि धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है इमीटर से कलेक्टर की ओर होती है, इमीटर से धारा अंदर की ओर जाती है और कलेक्टर की ओर से क्या होती है बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो काम करते हैं और उनको ट्रांजिस्टर की तरह उपयोग में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम तीनों धाराओं में संबंध, कई बार पूछा जाता है, अब हम बात करते हैं तीनों धाराओं में संबंध के विषय में। तो एक शब्द यूज होता है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गेन करंट। गेन करंट दोस्तों क्या होती है जो कलेक्टर धारा होती है उसका इमीटर धारा से अनुपात क्या होता है गेन करंट कहलाता है। गेन करंट को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से। तो गेन करंट मैंने आपको बताया कि कलेक्टर धारा का इमीटर धारा से अनुपात क्या कहलाता है गेन करंट कहलाता है। सामान्य रूप से इलेक्ट्रीशियन में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारी इमीटर धारा है उसका मान दिया होगा और कलेक्टर धारा का मान दिया होगा और आपसे अल्फा का मान पूछ लेगा वो या गेन करंट पूछ लेगा, तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि गेन करंट कोई भी ट्रांजिशन युक्ति ले लेना आप, गेन करंट का मान क्या होता है कलेक्टर धारा और इमीटर धारा का आपस में अनुपात होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगली चीज कि गेन करंट का मान, प्रश्न ये दो तीन बार पूछा जा चुका है, हमेशा ध्यान रखना आप एक से कम होता है गेन करंट या अल्फा का मान हमेशा लेस देन क्या होता है वन होता है। क्यों होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि इमीटर धारा सबसे ज्यादा होती है, इमीटर धारा का मान क्या होता है एक ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कलेक्टर धारा होती है, उसके बाद बेस धारा होती है। क्यों होती है इमीटर धारा, क्योंकि इमीटर में हमने क्या की थी डोपिंग ज़्यादा से ज़्यादा की थी, तो इमीटर में से धारा का मान इमीटर धारा की ही वजह से क्या होता है दोनों धाराओं की उत्पत्ति होती है, तो इमीटर धारा का मान एक ट्रांजिस्टर में ज़्यादा होता है, तो जब इसका मान क्या होगा कम होगा 5/10 करोगे तो आपका मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आएगा। मान लिया मैंने ये, आप कुछ भी मानिए कि इमीटर धारा और कलेक्टर धारा वैसे तो यदि मैं बात करूं लगभग बराबर मानी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क दोनों में होता है, क्योंकि धारा का कुछ भाग क्या होता है बेस की ओर प्रवाहित हो जाता है इमीटर से निकल करके, जिससे कलेक्टर धारा का मान कुछ ना कुछ क्या होता है कम होता है, लेकिन लगभग क्या होता है यही माना जाता है कि दोनों धाराओं का मान क्या होता है बराबर होता है। लेकिन आपको गेन करंट का यदि पूछे तो हमेशा अल्फा का मान क्या होगा एक से
छोटा होगा, क्योंकि जो इमिटर धारा होती है उसका मान क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हम अन्य धाराओं की। तो मैं आपको संबंध अभी हमने पढ़ा, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज कि आई ई बराबर, यदि मैं बात करूं इमिटर धारा की, आई ई बराबर किसके होगा, आई बी और आई सी धारा के। तो इसी एक सूत्र से ही सारे निकलते हैं। आई बी धारा यदि आपसे पूछे तो आई बी बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करोगे आई ई माइनस आई सी हो जाएगा, और आई सी धारा का यदि पूछे आपसे तो आई ई माइनस आई बी धारा हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों धाराओं में क्या होता है, सबसे बड़ी धारा, सबसे उसके बाद की धारा और सबसे छोटी धारा, इन तीनों का संबंध आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, एक शब्द यूज होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होता है, एक बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होता है। बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर देखो क्या होता है दोस्तों, कि जैसा कि आपको पता है कि इमीटर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के इमीटर का काम है उत्सर्जित करना, और कलेक्टर का काम होता है उनको इकट्ठा करना। तो बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर देखो क्या होगा, कि कोई ट्रांजिस्टर में कलेक्टर में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, मैंने मान लिया कि कलेक्टर में कोई सी ई इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, कलेक्टर में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इमीटर भाग से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, इसको स्मॉल ई से लिख लीजिएगा, या आप समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको। तो कलेक्टर में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इमीटर से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात हमेशा क्या कहलाता है, बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर कहलाता है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कलेक्टर में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन और इमीटर में से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो कई बार वहां गलती कर देते हैं हम, गेन करंट लिखे आते हैं उसको, तो गेन करंट अलग चीज है, बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनों का अनुपात आपस में, कलेक्टर और इमीटर के इलेक्ट्रॉनों का अनुपात क्या कहलाएगा, बेस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांजिस्टरों के कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए कि आपको पता है कि कोई भी युक्ति बनाने के लिए दो इनपुट के टर्मिनल होना और दो आउटपुट के टर्मिनल होना जरूरी है। कैसे, कि ट्रांजिस्टर को इनपुट देने के लिए हमें, हमारे पास जो भी सप्लाई होती है उसमें आपको पता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और आउटपुट यदि हम लेंगे तो भी हमें क्या होना चाहिए, एक सिरे पर प्लस मिलना चाहिए और एक सिरे पर माइनस मिलना चाहिए। लेकिन ट्रांजिस्टर में तो हमारे क्या होते हैं, तीन ही टर्मिनल होते हैं, तो तीन टर्मिनलों को क्या किया जाता है, उनमें से किसी एक टर्मिनल को कॉमन रख के दो टर्मिनल इनपुट के लिए निकाल लिए जाते हैं और दो टर्मिनल आउटपुट के लिए निकाल लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है ट्रांजिस्टरों का। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के लिए तीन टर्मिनल होते हैं, तो आपको पता है कलेक्टर इमीटर और बेस, तो तीनों में से ही बारी बारी से किसी एक को कॉमन रखा जा सकता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है ट्रांजिस्टरों का कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार से संभव किया है या कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपको आंसर क्या होगा आपका, तीन प्रकार से। कौन कौन से, सबसे पहला कॉमन बेस, उसके बाद दूसरा कॉमन इमीटर, उसके बाद तीसरा कॉमन कलेक्टर, तीसरा आ गया हमारा कॉमन कलेक्टर। तो इस तरीके से क्या होता है, अभी हम इसको चित्र के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम इनको कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों आप, कि अभी देखिए कॉन्फ़िगरेशन के बारे में प्रश्न सीधे जब ये भी पूछता है वो, पहले हमने रीजन पढ़े थे, तो आप थोड़ा सा प्रश्नों पे गौर करना और ध्यान से देखना कि वो किस चीज के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि यदि रीजन के बारे में पूछ रहा है उनका, तो चार रीजन में हम उसका उपयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था कट ऑफ, सेचुरेशन, इन्वर्टेड और एक्टिव रीजन में। कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा है तो तीन प्रकार से कर सकते हो, बंधन मतलब किसी चीज की, तो उसको तीन प्रकार से कर सकते हो, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। बात करते हैं सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, बेस भाग को कॉमन रखा जाता है, भाग को कॉमन रखना है,
तो कॉमन रखने के लिए हमने मान लिया कोई हमारा एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार का सिंबल होता है, आपको पता है। तो अब देखिए क्या होगा कि जो ये हमारा बेस हो गया, इधर इमिटर होता है और इधर कलेक्टर होता है। तो अब क्या करेंगे कि इनपुट सप्लाई तो किन किन के, ये ध्यान रखना आप, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कॉमन बेस में इनपुट सप्लाई किधर ली जाती है और आउटपुट सप्लाई किधर ली जाती है, या फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिस्टर में इनपुट सिग्नल किधर दिया जाता है, किन किन टर्मिनलों के बीच में, और आउटपुट सिग्नल किन किन टर्मिनलों के बीच में। तो इनपुट सिग्नल इमिटर और बेस के बीच में, यहाँ हम क्या देंगे, इसको इनपुट देंगे, और आउटपुट ये हमें कहाँ प्रदान करेगा, कलेक्टर और बेस के बीच में, यहाँ हमें क्या प्रदान करेगा, आउटपुट प्रदान करता है। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों क्या कहलाता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इम्पोर्टेंट क्या है, किन दो टर्मिनलों पे सिग्नल देना है और किन दो टर्मिनलों से सिग्नल वापस प्राप्त करना है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कॉमन इमिटर का, तो कॉमन इमिटर में क्या किया जाएगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा उसके इमिटर भाग को तो क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। ये हमारा बेस हो गया, ये इमिटर भाग हो गया। तो अब देखिए इन दो सिग्नलों पर क्या दिया जाएगा, इन दो टर्मिनलों पर तो इनपुट दिया जाएगा, सॉरी आउटपुट नहीं है यहां पर, यहां इनपुट देंगे हम इमिटर और बेस के बीच में, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। प्रश्न पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज ही हमेशा सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट सिग्नल की, तो आउटपुट सिग्नल देखिए एक तो इमिटर भाग से और कलेक्टर भाग से, इन दो टर्मिनलों से क्या किया जाएगा, आउटपुट सिग्नल प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इनपुट सिग्नल इमिटर और बेस के बीच में, और आउटपुट सिग्नल प्राप्त किया जाता है कलेक्टर और इमिटर के बीच में। हमेशा ट्रांजिस्टर को कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ही प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है वो आगे अभी हम पढ़ेंगे, कुछ एक इसके रीजन होते हैं जिसकी वजह से कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा वरीयता प्रदान की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, इस प्रकार से वही हमारा कोई ट्रांजिस्टर हो गया, तो कलेक्टर भाग को उसमें क्या कर लेंगे, हम कॉमन रख लेंगे। तो इनपुट सिग्नल यदि आपसे पूछा जाए तो कलेक्टर और बेस के बीच में क्या दिया जाता है, इनपुट सिग्नल दिया जाता है, और आउटपुट सिग्नल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कलेक्टर और इमिटर के बीच से क्या किया जाता है, आउटपुट सिग्नल प्राप्त किया जाता है। तो जब बेस को कॉमन रखा तो कॉमन बेस, इमिटर को कॉमन रखा तो कॉमन इमिटर, और कलेक्टर को कॉमन रखा तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार उनको बोला जाता। बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन बेस में क्या होता है, कॉमन इमिटर में क्या होता है, और कॉमन कलेक्टर में क्या क्या होता है। तो कॉमन बेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इस तरीके से हमने कोई डायग्राम बनाया था, इनपुट और आउटपुट इधर इन दो टर्मिनलों पे हमें मिल रहा था। तो अब देखिए कॉमन बेस को क्यों नहीं प्राथमिकता देते, कि आपको पता है कि ये जो जंक्शन होगा हमारा इमिटर और बेस जंक्शन, ये फॉरवर्ड बाइस में जुड़ेगा, और इधर वाला जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस में जुड़ेगा। चाहे कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप, कॉमन बेस कलेक्टर इमिटर यदि ट्रांजिस्टर की तरह काम में लोगे तो उसका इमिटर बेस जंक्शन हमेशा किस में जुड़ेगा, फॉरवर्ड बाइस में, और कलेक्टर और ये इधर वाला जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में। तो अब देखिए जब ये फॉरवर्ड में जुड़ता है तो इसका इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, इनपुट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ये रीजन है वो ये है कि इसमें क्या होगा, डोपिंग एक तो बेस में कम होती है, कम होने से इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत कम होता है। यहाँ से इमिटर धारा प्रवाहित होते ही बेस से धारा का मान क्या होता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो
तो पहला रीजन तो ये हो गया कि इस सर्किट का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। इनपुट प्रतिरोध यदि पूछा जाए तो लगभग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, आप मान के चलिए लगभग 20 से लेकर के और 40 ओम के आसपास इसका इनपुट रेजिस्टेंस माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट प्रतिरोध की, ये वाला। तो जब आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करोगे तो आपका जो आउटपुट का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, 1 से 2 मेगा ओम तक माना जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं इनका उपयोग भी विशेष प्रकार के परिपथों के लिए ही किया जाता है। कॉमन बेस में अल्फा का मान यदि आपसे पूछा जाए, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का मान, तो आपको पता है आईसी बटा आई बराबर, मैंने आपको बताया, हमेशा लेस देन 1 होता है, क्योंकि इमीटर धारा का मान हमेशा एक परिपथ में ज़्यादा होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कॉमन बेस का उपयोग, तो आरएफ, वीएचएफ और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन सब में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। आरएफ मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो परिपथ होते हैं, वीएचएफ का मतलब आप लिख ही लीजिए, चलो इनको मैं लिख देता हूँ, आरएफ, वीएचएफ, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आगे हम इनका पढ़ेंगे अलग अलग, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आरएफ, वीएचएफ और डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसे सर्किटों में इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ पर इनपुट प्रतिरोध हमें कम चाहिए होता है और आउटपुट प्रतिरोध का मान हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन था हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इस प्रकार का डायग्राम बना लेते हैं हम। इन दो टर्मिनलों पर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और यहाँ से क्या लिया जाता है, आउटपुट सिग्नल को लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है, सिग्नल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो ट्रांजिस्टर का यूज होता है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता है। तो अब देखिए इस परिपथ की क्या विशेषताएं होती है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कॉमन बेस से तो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन बेस का तो मैंने आपको बताया 20 से 40 ओम के आसपास होता है, लेकिन इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस पूछा जाए आपसे तो कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर की तुलना में तो कम हो, लेकिन कॉमन बेस की तुलना में अधिक होता है। इसके बाद बात करें यदि हम फेज सीक्वेंस या फेज अंतर की, तो फेज अंतर आप ध्यान रखना, हमेशा जो कॉमन इमिटर होगा उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी वजह से इसका यूज जो है वो, कॉमन इमीटर का यूज हम ऑसिलेटर सर्किट में भी करते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक, कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में या फेज के बीच में कितने का अंतर होता है, 180 डिग्री का अंतर होता है। इसके बाद बात करें हम, तो कॉमन इमीटर के यूज की बात है अगर मैं करूँ, तो जो एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीफिकेशन में यदि हम बात करें, तो एम्पलीफिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन इमीटर का ही यूज किया जाता है, अन्य किसी भी इसका वाइसिंग का यूज नहीं करते हम, कनेक्टिंग मेथड जो होता है इसका ना, तो हमेशा किसका यूज करेंगे हम, कॉमन इमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, कि जैसा कि हमने कॉमन बेस में पढ़ा कि जो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात जो था वो, उसको अल्फा से प्रदर्शित कर रहे थे हम, करंट गेन जिसको मैंने आपको बताया था। उसके बाद कॉमन इमीटर में यदि हम बात करें तो इसमें इसको बीटा बोला जाता है, आउटपुट और इनपुट करंट का अनुपात। तो आउटपुट करंट आप खुद सोचिए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि जो कलेक्टर धारा है वो आउटपुट की धारा है, तो आउटपुट की धारा और इनपुट की धारा का अनुपात मैंने आपको बताया था। तो आउटपुट की धारा हमारी कौन सी हो गई, कलेक्टर धारा हो गई, और इनपुट की धारा हमारी कौन सी होगी, यहाँ कौन सा टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है। तो इसमें यदि कॉमन इमीटर में करंट गेन पूछा जाए तो बीटा बराबर किसके हो जाएगा, आउटपुट धारा हमारी क्या हो गई, आई सी बटा, इनपुट धारा क्या हो गई, आई ए, हमेशा ग्रेटर देन होगी किसके, 1 के। उसमें मैंने आपको बताया अल्फा का मान हमेशा लेस देन 1 होता है और इसमें ये ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि आर्मेचर धारा का मान हमेशा क्या होता है, कलेक्टर धारा से कम होता है। तो
तो ये सब चीजें आपको, इतने पॉइंट मैंने आपको बताए कि इनपुट प्रतिरोध, इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना होता है 180 डिग्री का, और उपयोग कहाँ होता है इसका एम्पलीफायर सर्किट में, और उसके बाद में जो करंट गेन होती है वो क्या होती है इसमें बीटा से प्रदर्शित करते हैं उसको, और बीटा का मान क्या होता है, बीटा का मान आउटपुट और इनपुट, और आउटपुट और इनपुट यदि आपको पता है तो आप इसका मान आसानी से ज्ञात कर लोगे। प्रश्न पूछा जाएगा लेस देन या ग्रेटर देन, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्मेचर धारा का मान कम है, तो कम का यदि ज्यादा में भाग दोगे तो हमेशा एक से मान क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे और बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की। तो कॉमन कलेक्टर सर्किट में देखिए क्या होगा कि जो हमारा कलेक्टर पॉइंट होगा वो कॉमन ले लेंगे हम, इधर मैंने मान लिया एमिटर है, तो इनपुट सिग्नल मैं इन दो टर्मिनलों पे दूंगा, और आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा, आउटपुट सिग्नल एक यहाँ से और एक यहाँ से, इधर हमें आउटपुट मिलेगा और इधर हम इनपुट देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम कनेक्शन करेंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन कलेक्टर सर्किट कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। सबसे पहली बात कि कॉमन कलेक्टर सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी ट्रांजिस्टर के सीबी जंक्शन को हम हमेशा रिवर्स वाइज में जोड़ते हैं, तो रिवर्स वाइज की वजह से क्या होगा, इसका जो ये धारा को प्रवाहित करने का विरोध है वो भी क्या होगा, अधिक होगा, और इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका जो सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा, लगभग 20 किलो ओम से लेकर के कई किताबों में 500 किलो ओम तक भी लिखा हुआ मिलता है आपको, लेकिन परीक्षा में यदि प्रश्न आएगा तो आप आसानी से पहचान लोगे कि किलो ओम के अंदर लगभग मान होगा उसका। और जो हमने पढ़ा था अभी कॉमन इमीटर का, मैंने आपको बताया था, तो कॉमन इमीटर का लगभग 10 किलो ओम तक का होता है मैक्सिमम, लेकिन इसमें लगभग 20 किलो ओम से ऊपर ऊपर आप मान सकते हो कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान होगा। इसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट रेजिस्टेंस की। तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपको पता है कि जो आउटपुट, देखिए इमीटर और बेस के ऊपर हम आउटपुट को ले रहे हैं, तो इस जंक्शन का प्रतिरोध हमेशा कम ही होगा, क्योंकि जो इमीटर बेस जंक्शन होता है उसको हम किस में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं। तो आउटपुट का रेजिस्टेंस पूछा जाए आपसे तो बहुत ही कम होता है, 50 से 100-150 ओम तक माना जाता है, तो वो भी आप प्रश्न में आसानी से ओम के अंदर होगा ये। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि आपने देखा होगा कि कुछ एक परिपथ होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो इम्पीडेंस का मान होता है, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम एम्पलीफायर और ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से। तो एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है जो जहाँ पर इम्पीडेंस का डिफरेंस होता है, मतलब एक तरफ हाई इम्पीडेंस हो और एक तरफ लो इम्पीडेंस, मतलब कहने का आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस टाइप की बात कर रहे हैं हम, उच्च प्रतिबाधा हो एक तरफ और एक तरफ निम्न प्रतिबाधा हो, तो इस प्रकार के परिपथों का मिलान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सर्किट का यूज किया जाता है। हाई इम्पीडेंस और निम्न लो इम्पीडेंस की मैचिंग के लिए क्या करते हैं हम, जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट का यूज करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, टू वे एम्पलीफायर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आउटपुट करंट सभी में आपको ध्यान रखनी है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात, तो इसमें अब मैं पूछूं यदि आपसे तो आउटपुट करंट क्या होगी हमारी, इमीटर धारा यही होगी, आईई धारा, और इनपुट करंट क्या होगी, बेस धारा। तो इमीटर धारा और बेस धारा मतलब आईई और आईए का अनुपात क्या कहलाता है हमारा, करंट गेन कहलाता है, लेकिन करंट गेन को इसमें किससे प्रदर्शित करेंगे हम, गामा से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कॉमन बेस में मैंने आपको बताया था अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसमें ध्यान रखना आप गामा से प्रदर्शित करते हैं, और कॉमन इमीटर में उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। आपको धाराएं दी गई होगी, उसके बाद आपसे अल्फा बीटा और गामा का मान पूछा जा सकता है। इसके बाद अब आप खुद सोचिए कि आर्मेचर धारा का मान कम होता है, तो कम होने से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि गामा का मान हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा होता है।
क्योंकि आर्मेचर धारा कम होती है और जो इमीटर धारा होती है वो अधिक होती है। तो इस प्रकार से इन तीन सर्किटों का यूज हम बारी बारी से ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए और चार जो दो इनपुट और दो आउटपुट के टर्मिनल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा उसका भी हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। पावर के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, पावर के आधार पर ट्रांजिस्टर, शक्ति के आधार पर ट्रांजिस्टरों का वर्गीकरण। तो बात करते हैं बारी बारी से पावर के आधार पर ट्रांजिस्टरों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहला हमारा लो पावर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे हम। लो पावर ट्रांजिस्टर में आपको पहली चीज मैं बता दूं क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कितने वाट तक यूज होते हैं उस चीज का ध्यान रखना है, उसके बाद किन किन चीजों में उसका यूज किया जाता है इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। तो जो लो पावर के ट्रांजिस्टर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, निम्मी में लिखी हुई है स्पष्ट रूप से। तो जिनकी पावर 2 वाट से कम होती है, जिन ट्रांजिस्टरों की पावर शक्ति 2 वाट से कम होती है उनको बोला जाता है लो पावर ट्रांजिस्टर, और इन्हें निम्न शक्ति एम्पलीफायर भी बोला जाता है, या फिर निम्न शक्ति की छोड़िए लो सिग्नल एम्पलीफायर। आप ध्यान रखना लो सिग्नल एम्पलीफायर के रूप में किनका यूज किया जाता है, जो लो पावर के ट्रांजिस्टर होते हैं पावर कितनी होती है 2 वाट से कम होती है। इसके बाद महत्वपूर्ण आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनका यूज होता है वो हेडफोन हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, और जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। ट्रांसड्यूसर, हेडफोन या हेड टेप जिसको बोला जाता है, और माइक्रोफोन, इन सब में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इन तीनों में से कोई एक चीज दी होगी, ट्रांसड्यूसर, हेड टेप या माइक्रोफोन, और पूछा जाएगा इसमें किस प्रकार के ट्रांजिस्टरों का, शक्ति के आधार पर किस प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे, तो लो पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो पहला प्रकार हमारा शक्ति के आधार पर हो गया लो पावर ट्रांजिस्टर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शक्ति के आधार पर अगला प्रकार होता है हमारा मीडियम पावर ट्रांजिस्टर। मीडियम पावर में वे ट्रांजिस्टर आते हैं जिनकी पावर 2 वाट से लेकर के 10 वाट तक होती है। तो 2 वाट से 10 वाट तक की पावर के ट्रांजिस्टरों को हम किस श्रेणी में रखते हैं, मीडियम पावर ट्रांजिस्टर की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद इस प्रकार के ट्रांजिस्टर कहां पर यूज किए जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लाउड स्पीकर में आपको ध्यान रखना है कि लाउड स्पीकरों में किसका यूज किया जाता है, मीडियम पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार की हाई पावर ट्रांजिस्टर की। हाई पावर ट्रांजिस्टर तो 10 वाट से ज़्यादा के जितने भी होते हैं, 10 वाट से जितने भी ज़्यादा के पावर के ट्रांजिस्टर होते हैं वो सब हाई पावर ट्रांजिस्टर में काउंट होते हैं। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को बिग सिग्नल एम्पलीफायर के रूप में भी यूज किया जाता है, बिग सिग्नल एम्पलीफायर सर्किटों के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। उसके बाद जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं, बिग लाउड स्पीकर्स, उनमें भी क्या किया जाता है, हाई पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपको पहला पॉइंट शक्ति के आधार पर ट्रांजिस्टरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, लो पावर, मीडियम पावर और हाई पावर। लो पावर 2 वाट से कम, मीडियम 2 से 10 वाट, और उसके बाद में हाई पावर कितने से 10 वाट से अधिक के जितने भी होंगे वो हाई पावर में काउंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लो पावर में जो मैंने उदाहरण बताए थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं वहाँ से, तो उनका ध्यान रखना आप। लाउड स्पीकर में कन्फ्यूज रहते हैं हम कई बार, लाउड स्पीकर में मीडियम का, यदि बड़े लाउड स्पीकर का नाम कहीं यूज नहीं हो रहा है, सीधा लाउड स्पीकर है तो आप मीडियम करोगे, और यदि बिग लाउड स्पीकर लिखा हुआ है तो हाई पावर के ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार शक्ति के आधार पर ट्रांजिस्टरों का वर्गीकरण होता है। इसके बाद बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्रांजिस्टरों के वर्गीकरण के विषय में। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्रांजिस्टरों का वर्गीकरण भी होता है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टरों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला आपका लो पावर ट्रांजिस्टर, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर,
लो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर या फिर इनको बोला जाता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर, AF ट्रांजिस्टर भी इनको बोला जाता है। ये लो फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले या फिर हम बात करें सामान्य रूप से ऑडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, और इनका यूज, उदाहरण आप ध्यान रखना, टेप रिकॉर्डर आपने देखा होगा, टेप रिकॉर्डर के अंदर इस प्रकार के ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता है जिनमें लो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करने के लिए उनको बनाया गया होता है। तो लो फ्रिक्वेंसी के आधार पर ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो उसको ऑडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर भी बांटा गया है, और यूज कहाँ किया जाता है उसका, टेप रिकॉर्डर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की, दूसरा आपका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर को क्या बोला जाता है, RF ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है। RF का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर, और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर का यूज हम उन स्थानों पर करते हैं जहां पर फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है, हाई होता है। जैसे आपके रेडियो रिसीवर हो गया, और जो LED रिसीवर होते हैं उन सब में किसका यूज किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद वर्गीकरण फ्रिक्वेंसी के आधार पर हमने पढ़ लिया और शक्ति के आधार पर पढ़ लिया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पैकिंग के आधार पर, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पैकिंग के आधार पर भी ट्रांजिस्टरों को कई भागों में बांटा जाता है, तो बारी बारी से उनका अध्ययन करते हैं अभी हम। पहला होता है आपका मेटल पैकिंग ट्रांजिस्टर। मेटल पैकिंग ट्रांजिस्टरों का यूज आपका मीडियम और जो हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांजिस्टर होते हैं उन ट्रांजिस्टरों की जो पैकिंग होती है उनको मेटल के अंदर किया जाता है या फिर मेटल का बनाया जाता है। तो एक प्रकार से हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले ट्रांजिस्टरों का जो पैकिंग होती है वो मेटल के अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा वर्गीकरण, तो दूसरा इसको बांटा जाता है प्लास्टिक पैकिंग के आधार पर। प्लास्टिक पैकिंग में क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो प्लास्टिक पैकिंग में उपलब्ध करवाया जाता है, और इस प्रकार के ट्रांजिस्टरों का यूज जो है हम कहाँ करते हैं, जो मीडियम फ्रिक्वेंसी के एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के ट्रांजिस्टरों का या प्लास्टिक पैकिंग के ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगला महत्वपूर्ण, सिरेमिक पैकिंग में जो ट्रांजिस्टर मिलते हैं हमें, सिरेमिक पैकिंग के ट्रांजिस्टर स्पेशल रूप से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे जहाँ पर उच्च ताप हो, हाई टेम्परेचर हो, या कुछ एक सर्किट होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर का मान इंक्रीज होता रहता है, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी के सर्किट, तो उनमें क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर होते हैं यूज होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो सिरेमिक पैकिंग में ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इस प्रकार से पैकिंग के आधार पर भी ट्रांजिस्टरों को कितने वर्गों में बांट दिया हमने, तीन वर्गों में बांट दिया, मेटल पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग और सिरेमिक पैकिंग। तो इस प्रकार ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।